Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. आज दिल्ली के पालम विधानसभा में बीजेपी नेता मीनू शेरावत ने बिजली पानी की किल्लत को लेकर पालम विधानसभा की आम आदमी पार्टी की विधायक भावना गौड़ के ऑफिस के बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री विधायक भावना गौड़ के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए और खाली मटके फोड़े। माताओं को, मेरे दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं, जो दिल्ली सरकार एक निकम्मी सरकार जो एक झूठे वादे पे आई थी, जिन्होंने पानी और बिजली का हाफ करने का वादा किया था, वो आज 4.5 साल से उसने कोई भी काम नहीं किया। हमारी पालम की जनता पानी से त्रस्त त्रस्त है, नहीं बिजली आती, बिजली कट लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्र में सभी सीवर लाइटें कुछ भी नहीं है, सारे रोड फटे हुए हैं, सीवरों की लाइन फटी हुई है, पानी की लाइन फटी हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के खिलाफ पालम विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, सभी बहने, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन, भावना गौड़ जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल, भावना गौड़, भावना गौड़, भावना गौड़, भावना गौड़, जो बिजली पानी दे ना सके ना वो सरकार, जो बिजली पानी दे ना सके ना वो सरकार। अब तो ये स्पष्ट है, जो सरकार निकली है, जो सरकार हमने बीजेपी नेता मीनू शेरावत आए लोगों से बात की। मीनू शेरावत जी, जैसे हम देख रहे हैं पानी को लेकर और बिजली को लेकर यहाँ जो पालम की भावना गौड़ है विधायक, उसके ऑफिस के बाहर यहाँ मटके फोड़े, तो क्या कहना चाहोगे जो पानी की दिक्कत दिल्ली में चल रही है? मैं सबसे पहले अपनी जनता, जो पालम की जनता आज पानी की वजह से त्रस्त त्रस्त हो रही है, केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली का, खुद इस जल बोर्ड का चेयरमैन है, उन्होंने इसके अंदर सभी टैंकर घोटाला इतना बड़ा किया है कि उन्होंने माफिया के साथ मिला हुआ है। 10,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने पानी में किया है। अभी हमारे विधायक गोल जी ने हमारे वहाँ जल बोर्ड का भी वहाँ ताला लगाया था, अभी दिल्ली में उसके वहाँ कोठी पे, तो इसके कारण हमारे क्षेत्र में पानी की इतनी समस्या है कि पालम विधानसभा के सारी माताएं बहनें इतनी परेशान है कि रात दिन कोई भी पानी नहीं आता। पीने के लिए 20-20 लीटर का जार खरीदते हैं, जो पैसे लेके रात को पूरी पूरी टैंकरों की वेट में रहते हैं, सुबह नौकरी के लिए जाते हैं, तो हमारे पालम के अंदर ना एक पानी की बूंद आती, बिजली का कट होता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, चुनाव के टाइम पे जो अभी 2019 के चुनाव है, उससे पहले जगह जगह उद्घाटन किए कि पानी आ जाएगा सर, और वादे भी करते हैं कि हमने हर जगह पानी पहुंचा दिया, और आज हम यहाँ देख रहे पालम की जो विधानसभा है उसमें आप कह रहे कि पानी नहीं है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के अलावा, झूठ के अलावा दूसरा काम ही नहीं किया। किसी भी कॉलोनी में एक बूंद पानी नहीं है, सारी रोडों के सीवर फाड़ कर डाल रखे हैं, सारी माताएं परेशान होती निकलने में भी, एक भी 4.5 साल में कोई भी काम यहाँ उन्होंने नहीं किया। पानी के ऊपर पालम के अंदर टैंकरों के पे लड़ाई माचती है माता बहनों की, उसमें कई बार हत्याएं भी हो चुकी हैं, झगड़े भी होते हैं और आपस में मनमुटाव भी होता है। तो आप लोगों ने जनता की आवाज उठा के कहीं जल बोर्ड में कुछ एप्लीकेशन लगाई पानी? हमने उनको जाकर 10 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं पानी के लिए, बिजली के लिए, उसका कोई भी रेंग नहीं चलती, क्योंकि वो बौखलाट हुआ, उसकी जमीन खिसक चुकी है। अभी लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट जीती थी, उससे बौखला गया और वो घर से भी नहीं निकल पाया एक दिन भी। उसके बाद उन्होंने एक ड्रामा बनाया कि माता बहनों के लिए हम मेट्रो फ्री करेंगे, बस फ्री करेंगे, उसके पास झूठ के अलावा कोई झूठ अलावा कुछ ही नहीं है। अच्छा, हम बात करें अगर पालम की, जैसे भावना गौड़ यहाँ के विधायक है, तो उनसे कभी मिले? इस 4.5 साल से हमारी भावना विधायक मैडम कभी हमें दिखाई नहीं दी, हमारी जनता उसको ढूंढ रही है, गुमशुदा के पोस्टर लगाने के लिए घूम रही है कि भावना वोट मिले कहाँ। वो सिर्फ अपने भ्रष्टाचारी
तंत्र को जमाई बैठी है, लाइनें पड़वा दी सारी सीवरों की, गलियों का बुरा हाल है सर, वो भी ठेकेदारों से सेटिंग करके, वो 4.5 साल में कभी दिखाई ही नहीं दी हमारे क्षेत्र में। विधानसभा में मधुबिहार की बात हो, राजापुरी की हो, महारिंकले की बात हो या पाड़म गांव की बात हो, सारी लाइनें रोड टूटे पड़ी हैं, पानी के लोग तरस रहे हैं, हाहाकार मची हुई है। इसलिए हम इसके विरोध में आज भावनागौड़ के ऑफिस पे मैंने प्रदर्शन किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। अगर पानी उन्होंने नहीं दिया, आने वाले 6 महीने के बाद जनता उसका जवाब देगी इसको। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कई रोडों में गलियों में सीवर का पानी भर जाता है, भावनागौड़ के पास आते हैं हमारी गली के लोग तो क्या कहते हैं कि क्या ऊंचा बोलते हैं कि ये तो MCD के अंडर आता है, जल बोर्ड के अंडर नहीं है, और वो जल बोर्ड के अंदर तो है वो सीवर। रहते हो पालम बिहार में कौन सी? पूरन नगर गली नंबर 7। जी मैडम, मैं पीछे महावीर इनक्लेव में रहती हूँ। मेरे यहाँ पे 6 महीने से पानी नहीं आ रहा और सड़कें इतनी बुरा हाल है। शाम को हम लेडीज लोग बाहर निकल नहीं सकते, मुंह में कपड़ा लेके चलना पड़ता है, ठीक है, उसके वजह से मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं। सीवर की दिक्कत है। बारिश आ जाए तो इतने पानी ऊपर तक आता है, इतनी गंदी हालत है प्राइवेट कॉलोनी की। कंप्लेंट डाली कितनी बार? 2 महीने पहले आए, 6 महीना हो गया मेरे घर में पानी नहीं आया। साग सब्जी हम नहीं खरीदते हैं क्योंकि उसको धोना पड़ता है, इस वजह से बच्चे भी मेरे स्कूल कॉलेज बिना नहाए बिना धोए जाते हैं, ठीक है। और 2 महीने पहले यहाँ पे कभी नहीं मिली, कंप्लेन डाल के छोड़ा हुआ है, 6 महीने हो गए पानी नहीं आया हमारा। परसों हमने बुलाया था भावनागौड़ को, आके अपना बोल के गई कि हमने सीवर डाला, हमने नाला डाला, हम कर रहे हैं, मेरे जैसी नेता कोई नहीं है, ये वो बोल के चले गए, पर हमारी कंप्लेन उनने नहीं सुनी। पानी नहीं आ रहा है और एक तो टैंकर पे इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है और झगड़े होते हैं और बाल्टी उठा उठा के पेटों में लेडीजों को दर्द हो जाता है। जो यहाँ की विधायक है वो कभी सुनवाई नहीं, और कभी आधार कार्ड मांगती है, कभी पहचान पत्र, कभी नहीं गई। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।